दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल राहुल इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया, एक गैस गीजर की वीडियो है ये। दोस्तों, हमारे पास एक थर्मो किंग कंपनी का गैस गीजर है जीरो प्रेशर में। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो शुरू होते हुए देखा कि जहाँ पर इसके सेल डलते हैं वहाँ से पानी टपक रहा था, यहाँ से दोस्तों इसका पानी निकलता है सारा, आपने देखा ही है वीडियो में। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब आप इस गीजर को खोलते हो तो सबसे पहले हमें प्लास्टिक का जो यहाँ पर फ्रेम लगा हुआ है, यहाँ से हमें इस नट खोलने पड़ेंगे। यहाँ पर ये नट लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहे होंगे, ये चार नट लगे हुए हैं। तो हमें ये चीज़ पहले ओपन करनी है। ये नट खोलने के बाद दोस्तों, उसके बाद हम इसके यहाँ से जो कैप है ऊपर की साइड, हमें इस तरह खींच लेनी है, ये बाहर आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा कोई नोब फंस जाती है कहीं पर, जो ज़्यादा हमारी यूज़ में नहीं आती है। देखिए अभी निकल गई है। अब दोस्तों, मैं ये नट खोल लेता हूँ। यहाँ पर हमारे चार नट लगे हुए हैं और यहाँ पर भी हमारे कई बार चार नट होते हैं जो आगे की तरफ है इसकी बॉडी में यहाँ पर, और कई बार देखिए दोस्तों यहाँ पर दो नट होते हैं पर यहाँ पर दो हैं। और यहाँ पर ये पहले भी गीजर खुला हुआ है, ये देखिए यहाँ पर नट नहीं लगाया हुआ। तो मैं इन सभी नटों को खोल कर इसका जो कवर है ऊपर से ये वाला मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए से देखिए इसके नट खोल कर ये कवर निकाल लिया है। अगर आप दोस्तों इसको नहीं लगाना चाहते तो इसका वैसे तो कोई भी यूज़ नहीं है, पर ये थोड़ा डिजाइन के हिसाब से लगाया हुआ है। अब दोस्तों, मैंने इसके आगे भी नट खोल दिए हैं और जो हमारे यहाँ पर थे वो चारों नट मैंने निकाल दिए हैं। अब दोस्तों, मैं इसका कवर निकाल लेता हूँ। तो मैं इसे टेस्ट पैन की मदद से निकालूंगा क्योंकि ये यहाँ पर फंसे होते हैं लोगों में। तो ये देखिए, ये हमारा जो कवर है ये निकल गया है। तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ। अब दोस्तों, ये देखिए जो हमें इसमें कमी मिली है, यहाँ पर जो इसका वाटर इन का पाइप लगता है, यहाँ से ये पाइप है, मतलब जो इसकी नोजल है ये लीक हो रही है। यहाँ पर हमारा जो इनलेट का पाइप लगता है एंगल वाल से, ये देखिए यहाँ से पानी निकलता है और सारा यहाँ पर पानी इस जो बॉक्स है हमारा सेलो का, यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि इसमें लीकेज ज़्यादा हो रही है। ये देखिए, दोस्तों जो अगर पार्ट लगा हुआ है इसके अंदर जिसमें लीकेज आए, आप अगर रबड़ वगैरह है आपके पास तो इसे आप ठीक भी कर सकते हो, पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता क्योंकि इसके अंदर जो रबड़े हैं वो अपनी जो ग्रिपिंग है वो ख़त्म कर लेती हैं, जिसकी वजह से पानी रिसने लग जाता है। अगर दोस्तों आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी पुराने गीजर से या आजकल आपको मार्केट में से नई असेंबली मिल जाती है उसमें से आप ये निकाल सकते हो, क्योंकि इसका देखिए दोस्तों जो गैस कॉइल वाला हिस्सा है वो बिल्कुल ठीक है। तो हम सिर्फ यही चेंज करेंगे इसका। अगर दोस्तों कई गीजरों में तो हमें पूरी असेंबली खोलनी पड़ती है, मतलब पूरा गीजर खोलना पड़ता है, जिससे हमें ये निकालने में बहुत दिक्कत होती है। और इसमें हमें सेटिंग दी हुई है कि हम इसे बिना ही सारा खोले हम इसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर ये नट है इसे खोल लेना है यहाँ पर। तो इसको आप रेंच की सहायता से या प्लास की सहायता से खोल लें, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास रेंच है, ये हम एडजस्ट कर सकते हैं इसे किसी भी तरह। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। ये देखिए, तो हम अभी इसे यहाँ से खोलेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल आसानी से खुल रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये हाथ से हम खोल लेंगे यहाँ से। ये देखिए हमारा ये पाइप निकल गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो ये रबड़ है ये गुम ना हो, तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। ये देखिए, अगर ये गुम होगी तो फिर हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा, पर फिर उसमें भी लीकेज का खतरा रहता है, तो इसलिए मैं इसे ध्यान से रख लूँगा। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये आप यहाँ से निकालोगे तो आपको यहाँ पर पेचकस लगा कर, ये देखिए यहाँ पर इसके नट दिख रहे हैं, यहाँ से खुल जाएगा। अगर आप बिल्कुल ईजिली काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले सेल की हम जो बॉक्स है यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए इसके यहाँ पर भी दो नट दिए हुए हैं, ये दो नट हम निकाल लेंगे, जो हमारा कवर है ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ से दोनों इसके जो पेच हैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह हम खोल लेंगे इसको, और मैं दूसरा पेंच भी निकाल लेता हूँ। आप दोस्तों अगर ये काम करते हो तो आपके पास एक मैग्नेटिक पेचकस होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह का। ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाते हैं या आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसे खोल दिया है दोनों पेच को। अब मैं इस डब्बी को यहाँ से बंद कर देता हूँ। ये देखिए हमारा गैस गीजर चलने लग गया है, तो मैं इसे ऑफ़ कर लेता हूँ। और यहाँ से हम इस कवर को, देखिए हमारे निकल गया है। अब हमारे यहाँ पर भी बिल्कुल हमें अच्छी तरह काम करने के लिए यहाँ पर देखिए गैप मिल गया है। आपको ये दो पेंच दिख रहे होंगे बीच में यहाँ पर, यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर देखिए दोस्तों इसे पेंच यहाँ पर खोल लेता हूँ इन पेंचों को।
ये देखिए यहाँ पर लग गया है, और ये देखिए हमारे पेंच खुलने लग गया है। और दोस्तों मैं दूसरी साइड का भी पेंच खोल लेता हूँ। ये देखिए ये हमारे यहाँ पर लग चुका है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पेंच नहीं खोलने हैं जो यहाँ पर ये दो लगे हुए हैं पत्ती के साथ। ये देखिए आपको एक नीचे दिख रहा होगा, क्योंकि फिर इसकी जो ग्रिपिंग है वो लूज़ हो जाएगी और हमें फिर ये खोलने में दिक्कत आएगी। तो मैं नट को भी खोल लेता हूँ। ये देखिए ये नट भी हमारा खुल चुका है। ये देखिए दोस्तों ये हमारे पेंच बिल्कुल अच्छी तरह खुल चुके हैं। ये दोस्तों नट भी ब्रेक चूड़ी के होते हैं, इसे भी आप संभाल के रख लें, क्योंकि हमें फिर बहुत दिक्कत होती है अगर ये गुम हो जाए तो। मैं ये नट भी निकाल लेता हूँ इस साइड से। ये देखिए ये पेंच भी हमारा निकल चुका है। अब दोस्तों हम जो इसके नीचे के हैं वो निकाल लेंगे। ये देखिए ये पेंच भी हमने खोल लिया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जो दूसरा पेंच है वो भी निकाल लेता हूँ। ये देखिए ये हमारे जो पार्ट है आसानी से अब ये यहाँ से फ्री हो चुका है। अब इसके साथ दोस्तों ये देखिए हमारा जो सेंसर है वो अटैच होता है यहाँ पर, तो हमें इसका जैक भी निकाल लेना है। मैं इसके पेंच पहले यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये देखिए अब दोस्तों जो हमारा सेंसर है ये देखिए, ये सेंसर दोस्तों आपने इसके अंदर अगर आपको ये नया मिल जाता तो ये लगा हुआ मिलेगा, नहीं तो आपको ये आप इसी को ही सेंसर को यूज़ में ले सकते हो। तो मैं इसका जो जैक है ये निकाल लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए इसका यहाँ पर जैक है, इसे यहाँ से दबा कर हम इस तरह निकाल लेंगे। यहाँ पर ये लॉक दिया हुआ है, ये देखिए ये निकल गया है हमारे यहाँ से जैक। तो ये देखिए दोस्तों अब ये हमारा पार्ट है, जो अब इसमें हम असेंबली से निकाल कर हम इसमें न्यू लगाएंगे। मैं आपको असेंबली भी दिखा देता हूँ कैसी है। आपको दोस्तों मैं इसे खोलकर भी दिखाता हूँ कि इसमें क्या चीज़ होती है। देखिए सबसे पहले हमें ये दो नट खोलने हैं इसके। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा नट भी खुल चुका है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक लॉक बना हुआ है, यहाँ पर इसे घुमा कर ये कट है लॉक का, इसे यहाँ से निकाल लेना है। ये देखिए यहाँ पर पहले भी इसे लीकेज को बंद करने के लिए टेफ्लॉन टेप से यहाँ पर जुगाड़ लगाया गया, पर ये कामयाब नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये सिस्टम होता है इसका डबल है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर ये रबड़ है, ये रबड़ ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से ये पानी लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए दोस्तों मेरे पास एक नई असेंबली है, इसकी दोस्तों रिले भी इसके साथ आती है। वो रिले मैंने निकाल कर किसी और गीजर में लगाई थी। तो अब हम इसका जो ये पार्ट है इनलेट वाला, हम इसे ही यूज़ लेंगे। दोस्तों इसमें एक चीज़ है जो इसकी यहाँ पर जिसपे नोब लगती है, यहाँ पर नोजल इस ये थोड़ी लंबी है इससे। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये यहाँ पर छोटी है और यहाँ पर ये बड़ी है, तो आप इसे काट कर भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपकी नोब इस पर सही आ जाती है वो थोड़ी ऊपर रहेगी, अगर आपको लगे तो इसे काट कर छोटा कर सकते हो, नहीं तो ये आप ऐसे ही रहने दे। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। हमें जिस तरह इसको निकाला था इसी तरह हमने यहाँ से दो नट खोल लेने हैं और ये हमारा अलग हो जाएगा पार्ट। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ, खोल कर निकाल लिया है। और जो इसके यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ इस तरह पत्ती है लगेगी, वो जब हम यहाँ पर इसे कनेक्ट करेंगे तो ये पत्ती इसके बीच में हमें लगानी पड़ेगी, इस तरह जुगाड़मेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर से ये देखिए नीचे की तरफ से लगी हुई है और इसके अंदर हमें यहाँ से ही अटैच करनी पड़ेगी। जो हम यहाँ पर दो इसके नट लगाएंगे, जो हमारे यहाँ पर सिल्वर की है, ये देखिए यहाँ पर गैस कोयल के लिए बनाई हुई है जो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें इस पत्ती को इस तरह अटैच करना है। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह फिटिंग हमारी बिल्कुल ओके आएगी, क्योंकि हर कंपनी अपना अपना डिज़ाइन बनाती है। तो दोस्तों जो इसका ये सेंसर है, मैं सेंसर इसी पार्ट का लगाऊँगा जो हमने यहाँ पर निकाला है। ये देखिए यही सेंसर मैं इसमें यूज़ में लूँगा, क्योंकि जो नई असेंबली होती है उसमें भी सेंसर मिलता है, पर मैं जो कंपनी ने लगाया हुआ है सेंसर इस गीज़र के पार्ट में, वही सेंसर मैं इसमें लगा रहा हूँ। तो मैं इस गीज़र के सेंसर को भी खोल लेता हूँ और इसमें लगा लेता हूँ, फिर मैं इसे यहाँ पर फिटिंग करता हूँ। यहाँ पर देखिए इस पर सेंसर लगा दिया है जो इस गीज़र का था,
अब दोस्तों मैंने यहाँ पर ये देखिए पत्ती यहाँ पर लगाई हुई है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर इसे लगा लेता हूँ। देखिए पहले सबसे पहले हमें इस सुराख से इसको निकालना होगा और यहाँ पर जो इसके दो नट हैं हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है इस तरह। ये देखिए और यहाँ पर हमें ये दो नट लगा देने हैं। अब मैं ये नट लगा लेता हूँ। मैं दोस्तों ये देखिए जो इसका एक पेंच है इसे यहाँ पर पेचकस पर लगा लेता हूँ और इस तरह हम यहाँ पर यहाँ से डाल लेंगे इसको। और ये नट हमारे यहाँ पर देखिए लग गया है। अब मैं इसे टाइट कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं एक नट यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं इस पत्ती को थोड़ा नीचे से सेट करूँगा ये इस तरह भैया ऊपर आ जाए और हमें नट लगाने में दिक्कत ना हो। अब मैं इसका दूसरा नट लगा लेता हूँ यहाँ पर। ये देखिए इसी तरह मैं इस पेचकस पर दोबारा एक नट लगा लिया मैंने। अभी यहाँ पर मैं इसे लगा लेता हूँ तो मैं इसकी थोड़ी सी पत्ती ऊपर करूँगा यहाँ पर। ये देखिए और ये हमारा दूसरा नट भी लग जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो मुझे थोड़ी सी पत्ती इसकी उठानी पड़ेगी क्योंकि हमें एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है कई बार। तो हमारा ये पेंच लग चुका है। अब दोस्तों जो इसकी पत्ती के नट है मैं वो लगा लेता हूँ। ये देखिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर नट को अच्छी तरह लगा कर दबाना पड़ेगा जिससे कि नट बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। ये देखिए हमारा नट बिल्कुल अच्छी तरह लग चुका है। अब थोड़ा सा आप इसको लूज ही रखना है क्योंकि इसकी जो अगली पत्ती है पहले हमें उसमें नट लगाना है। ये देखिए अब मैं दूसरा नट भी लगा लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ये नट हमारा लग चुका है। अब हम इसको दोनों नटों को बिल्कुल अच्छी तरह टाइट कर देंगे। तो मैं दूसरा नट भी यहाँ पर टाइट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा ये बिल्कुल अच्छी तरह लग चुका है। अब मैं यहाँ पर जो हमने इसकी रबड़ निकाली थी पाइप की ये वाली ये लगा लेता हूँ। ये देखिए इसे एक बार साफ़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने ये लगा दी है रबड़। अब यहाँ पर हमें इस पाइप को अटैच करना है इस तरह। ये देखिए ये लग चुका है। अब जो इसका नट है ये नट मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये नट यहाँ पर देखिए आ चुका है। अब मैं ये पाइप इसके अंदर दोबारा लगाऊंगा। ये लग चुका है और अब हम इस नट को इस पर चढ़ा देंगे। ये देखिए ये नट है जो हमारा, मैं इसे लगा देता हूँ। ये आपको थोड़ा हाथ दिखने में दिक्कत हो रही होगी। ये देखिए अब यहाँ पर ये नट लग चुका है। ये देखिए अब हम इसे रेंच की सहायता से अच्छी तरह टाइट कर देंगे। ये देखिए हमने दोस्तों यहाँ पर रेंच को अच्छी तरह एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर ये हमारा जो नट है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए ये टाइट हो रहा है। ये देखिए आपको दोस्तों इसको इतना भी टाइट नहीं करना है कि हमारी जो आगे की रबड़ है वो कट जाए। ये देखिए हमारा बिल्कुल अच्छी तरह टाइट हो चुका है। अब जो हमारा यहाँ पर सेंसर है जो इसका यहाँ पर जैक है मैं इसे लगा लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो इसका जैक है हमें यहाँ पर इसमें लगाना है जो हमारी यहाँ पर इग्निशन कॉइल है। ये देखिए इग्निशन की डब्बी है तो हमारे यहाँ पर लग चुकी है। अब मैं इसे एक बार चलाकर चेक करता हूँ। तो अब हम इस सेल की जो डब्बी है ये वाली, ये देखिए इसमें जो हमारे दो नट हैं मैं इसे निकाल लेता हूँ पहले। अब मैं इसे यहाँ पर लगा लेता हूँ इस तरह से। अब हम इसके नट लगाएंगे। मैं इसके नट भी लगा लेता हूँ जो हमारे यहाँ पर दो नट लगेंगे। यहाँ पर देखिए जो दो हमारे नट लगेंगे वो मैंने यहाँ पर कसने चालू कर दिए हैं। ये देखिए अब मैं दूसरा नट भी लगा लेता हूँ। अब मैं इस जो कवर है इसका बंद कर लेता हूँ और अब इसे चला कर चेक करता हूँ। गीज़र को मैं थोड़ा ऊपर की तरफ उठाता हूँ। ये देखिए यह हमारा गीज़र चल चुका है। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए जो हमने सेल का था वो भी लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए हम स्विच चलाते हैं तो हमारा गीज़र परफेक्ट ओके चल रहा है।
अब दोस्तों जो हमारे यहाँ से पानी निकलता था वो हमारी समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसे कंप्लीट फिटिंग कर लेता हूँ एक बार, फिर हम इसकी नोजल देखेंगे कि हमारी हम कितनी ऊंचाई पर रहती है, कितनी ऊंची रहती है। तो मैं इसे एक बार पूरा कंप्लीट कवर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसे कवर कर दिया है और यहाँ पर ये देखिए जो इसकी नोब है थोड़ी सी बाहर है। इसके ऊपर मैं जो इसकी नोबें हैं वो लगा कर चेक करता हूँ कि हमें यहाँ पर कोई दिक्कत है या नहीं है इसकी वजह से। हमें ये तीनों नोबें लगा लेता हूँ। सबसे पहले ये देखिए मैं इसी पर लगाऊँगा। ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ी सी उठी हुई है। अब मैं यहाँ पर दूसरी नोब लगा लेता हूँ गैस कोयल पर। और यहाँ पर देखिए जो हमारी तीसरी नोब है ये यहाँ पर लगा ली है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखिए एक उंगली का यहाँ पर गैप है, ये देखिए। और देखिए दोस्तों जो नोब का यहाँ से कट कर दिया है थोड़ा हिस्सा। अब मैं इस पर लगा कर चेक करता हूँ कि हमारा अब गैप उतना ही है या थोड़ा कम हो गया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है जो उसका गैप है यहाँ पर, अब बहुत कम हो गया है। इतना तो हम इसे रहने ही देंगे। अब मैं इस पर सारे जो नट हमने खोले थे वो लगा लेता हूँ। फिर हमने जहाँ से गीज़र उतारा है जिस कस्टमर के घर से, अब मैं वहाँ पर लगा लूँगा इसे। अभी हमारा बिल्कुल ओके गीज़र है। कमेंट करके जरूर बताएं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल राहुल इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।